हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे का एगलेस पैनकेक। ब्रेकफास्ट में क्या बनाया जाए, ये सवाल कई लोगों को परेशान करता है। आज भी इसका जवाब ढूंढ रहे हैं, तो आपकी समस्या का हल मेरे पास है। आज आप नाश्ते में पैनकेक बनाइए। बहुत सारे लोग अंडा नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने पैनकेक एगलेस बनाया है। ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बड़ी ही स्वादिष्ट बन के रेडी होती है। दोस्तों, एगलेस पैनकेक बनाने का एकदम झटपट तरीका और फटाफट बनकर रेडी होती है हमारी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा, उसमें मैं ऐड करूंगी बनाना। आज हम बनाना एगलेस पैनकेक बना रहे हैं दोस्तों। बड़ा ही टेस्टी, बड़ा ही यमी और बड़ा ही डिलीशियस बन के रेडी होता है। एक बार आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करें। तो मैंने 3 बनाना ले लिया है और उसमें मैं ऐड करूंगी 1 बाउल मतलब 100 ग्राम के करीब गेहूं का आटा, 1 कप दूध और 1 चम्मच शक्कर। आप शक्कर नहीं भी इस्तेमाल करोगे तभी भी चलेगा, क्योंकि केला इतना मीठा है कि उसका स्वाद उसमें कवर हो जाता है। लेकिन हम बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसीलिए थोड़ा सा शुगर ऐड करना बनता है। अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो आप शुगर फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखो, मैंने इसे ग्राइंड कर लिया, कितना फाइन और स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1 चम्मच तिल, जिसे हम पॉपी सीड भी कहते हैं। आप इसमें सौंफ भी ऐड कर सकते हो और भी कई इंग्रेडिएंट आप इसमें ऐड कर सकते हो। 1 चम्मच ऑयल भी आप ऐड कर ले ताकि ये एकदम फुले फुले और फ्लफी बने। अब इसे आप अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों, पैनकेक कई तरह के बनते हैं। कोई बनाना पैनकेक बनाता है, कोई चॉकलेट पैनकेक बनाता है, तो कोई मैदे के आटे का पैनकेक बनाता है। हम हेल्दी ब्रेकफास्ट बना रहे हैं तो इसीलिए सवेरे के लिए मैंने गेहूं का आटा और बनाना का यूज़ किया। एक तरफ गैस पर मैंने तवे को गर्म होने रख दिया था और अब मैंने हल्के से ऑयल से इसे ग्रीस कर दिया। बहुत कम ऑयल में ये ब्रेकफास्ट बनकर रेडी होता है। अब 1 चम्मच प्यूरी लेकर मैंने इस पर इस तरीके से डाल दिया और ज़रा सा चम्मच से हल्के हाथ से हम इसे गोल घुमा देंगे। तो ये देखिए, एकदम बढ़िया सा राउंड शेप में हमारा पैनकेक मैंने तवे पर डाल दिया है। अब मैं इस पर थोड़े से कैशू नट्स डाल दूंगी। आप जो चाहे अपने मन पसंद कैशू नट इस पर ऐड कर सकते हैं। तो मैंने डाला है चिरंजी, अब मैं डाल रही हूँ काजू और कुछ बादाम भी मैं इस पर ऐड कर लूँगी। कई बार बच्चे रोटी, पराठा और कैशू नट खाने में बहुत नखरे करते हैं और हमारे बच्चे तो बहुत चूजी होते हैं। तो इस तरीके से अगर हम उनको पैनकेक बनाकर खिलाएं ना, तो यमी यमी डिलीशियस पैनकेक खाकर वो खुश भी हो जाते हैं और साथ ही साथ उनको हेल्दी ब्रेकफास्ट भी मिल जाता है। तो जब बच्चे घर पर हो तो आप ये ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाएं। लो फ्लेम पर ही हमें ये पैनकेक बनाना है दोस्तों। ये देखिए, हल्के हल्के छोटे छोटे से बबल्स आना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब 90% हमारा पैनकेक बनकर रेडी हो गया है। एक तरफ से पैनकेक पक चुका है, लेकिन इसे थोड़ा सा क्रंची करने के लिए मैं 1 मिनट और इसे पकने दूंगी, क्योंकि ये ऊपर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट लगता है ना, तो खाने में इसका स्वाद और अच्छा लगता है। जिस तरीके से दोस्तों मैंने पैनकेक के ऊपर नट्स को डाला है, उस तरीके से आप इस पर कोई फ्रूट का लेयर भी बना सकते हो। अगर आपके बच्चों को बनाना पसंद है तो आप इस पर बनाना काटकर उसका भी एक लेयर बना सकते हो, या फिर कोई भी फ्रूट्स आप इस पर डाल सकते हो। आप इस पर चोको चिप्स भी डाल सकते हो। तो आप अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए इस पर एक लेयर तैयार करिए। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आ रही होगी। तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो अब पैनकेक एक तरफ से पककर पूरी तरह रेडी हो गया है। तो चलो अब इसे टर्न कर लेते हैं। सो देखा आपने कितना बढ़िया सा कलर आया है पैनकेक का,
और एकदम क्रंची सा हो गया है। तो अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर हम उसे पकने देंगे ताकि दूसरी तरफ का भी ये क्रंची सा पककर रेडी हो जाए। बहुत फ्लफ़ी फ्लफ़ी, अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रंची जैसे बनता है। चम्मच की मदद से चारों तरफ से अच्छे से इसे प्रेस करते हुए हमें इसे अच्छे से पकाना है। तो देखा आपने, रेडी टू सर्व है हमारा पैनकेक। दोनों तरफ से एकदम बढ़िया सा कलर और एकदम परफेक्ट सा पैनकेक बनकर रेडी हो गया है। आया ना मुंह में पानी, गारंटेड आपके बच्चे इसे खाकर बहुत खुश होंगे। तो चलो अब इसे झट से सर्व करते हैं। आप जैसे चाहो वैसे इसे सर्व कर सकते हो। आप चाहो तो इस पर हनी का यूज़ कर सकते हो, हनी की हेल्प से इसे गार्निश करके सर्व कर लो, या फिर आप इस पर कोई फ्रूट्स काट के सर्व कर लो, या फिर बनाना स्लाइस। मैंने बच्चों को ध्यान में रखते हुए पैनकेक बनाया है तो मैं इस पर डालूँगी चॉकलेट सिरप ताकि हमारे बच्चे इसे खूब चाव से खाए और पूरा चट कर जाए। लग रहा है ना एकदम यमी सा। तो जाने से पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे लाइक करें, उसे शेयर करें और अपना प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखें ताकि आने वाले और भी कई रेसिपियों में मैं आप लोगों के साथ यमी यमी डिलीशियस रेसिपी लेकर हाजिर हो सकूं। तो मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, बाय।